अकेले गगन विहार का समाचार सुनकर माता पार्वती रुष्ट हो जाती है। भोलेनाथ के उपस्थित होने पर भी माता का रोष कम नहीं होता। भोलेनाथ की नियमित पूजा कर वो अपने कक्ष में चली जाती है। गगन विहार के मध्य भोलेनाथ को धूर जटी की सत्य निष्ठा व शिव भक्ति पर संदेह हो जाता है। वे नारद को धूर जटी की शिव भक्ति की थाह लेने के लिए प्रेरित करते हैं। उधर दशाण देश के महामंत्री से वज्रसेन व सुमति में उपजे प्रेम भाव को सुनकर क्रोधित धूर जटी महामंत्री को अपमानित कर जाने को कहता है तथा उद्विग्न होकर भोलेनाथ से वज्रसेन के मन में सुमति के प्रति घृणा के बीज बोने की प्रार्थना करता है। उसी समय देवर्षि नारद ब्रह्मचारी का रूप धारण कर स्वयं को उनका शिष्य स्वीकार करने के लिए विवश कर देते हैं। धूर जटी में प्रतिशोध से उपजे अहंकार को देखकर नारद को धूर जटी के पाखंड का आभास हो जाता है। प्रसन्न चित्त वज्रसेन गर्भवती सुमति को बताते हैं कि अब उनका गर्भकाल पूर्ण हुआ, शीघ्र ही दशाण देश को उनका युवराज मिलेगा। तभी क्रोधित धूर जटी राजप्रासाद में उपस्थित होकर अपनी शिव भक्ति, पांडित्य तथा श्राप का भय दिखाकर महाराज वज्रसेन को सुमति के बहिष्कार का आदेश देते हैं, किंतु वज्रसेन आदेश की अवहेलना करते हैं। तभी उन्हें समाचार मिलता है कि महारानी सुमति ने क्षय रोग से ग्रस्त शिशु को जन्म दिया है। वज्रसेन को विश्वास हो जाता है कि ये धूर जटी की आज्ञा की अवहेलना का ही परिणाम है। वे अपने महामंत्री को आदेश देते हैं कि उपचार के बहाने सुमति व शिशु को निर्जन वन प्रदेश में छोड़ आए। महामंत्री जी, आप मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं? मैं महाराज वज्रसेन की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ महारानी जी। क्या है महाराज की आज्ञा? उन्होंने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। महाराज राजकाज में बहुत व्यस्त थे महारानी, उन्हें आपसे बात करने का अवकाश ही नहीं मिला। परंतु ये तो बताइए, हम जा कहाँ रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं एक महात्मा जी के पास, जो इस रोगग्रस्त शिशु को पुनः स्वस्थ कर देंगे। उनके हाथों में चमत्कार है महारानी, उनके स्पर्श मात्र से युवराज स्वस्थ हो जाएंगे। कहाँ है उन महात्मा जी का स्थान? यहाँ से दूर एकांत वन में। क्या आप कभी उनके पास पहले गए हैं? क्या उनका चमत्कार आपने स्वयं देखा है? हाँ, नहीं। अरे हाँ, अब स्मरण हुआ, मैं अपने एक मित्र के साथ उनके आश्रम पर गया था। बड़ी भीड़ थी वहां, सहस्त्रों लोग उनके चमत्कार से स्वास्थ्य लाभ की आशा में एकत्र हुए थे। मेला सा लग गया था वहां। शांत हो जा मेरे पुत्र, शांत हो जा। क्या वो महात्मा जी हमारे महल में नहीं पधार सकते थे? नहीं नहीं महारानी, वे महात्मा कहीं आते जाते नहीं, उन्हें किसी प्रकार का स्वार्थ या लोभ लालच नहीं है। वे तो एकमात्र परोपकार की भावना से दूसरों का उपकार करते हैं। धन्य है वे महात्मा। महामंत्री जी, एक ये है परोपकारी महात्मा और एक है हमारे राजगुरु धूर जटी, जो दूसरों को कष्ट देने का जैसे प्रण लिए बैठे हैं। क्या मिलता है उन्हें दूसरों को कष्ट पहुंचाने से? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपकी बात से सहमत हूं महारानी जी, उनके जैसे ज्ञानी महापंडितों का काम दूसरों की सहायता करना है, दूसरों को दुख के सागर में ढकेलना नहीं। परंतु किसी के स्वभाव को तो नहीं बदला जा सकता। मानती हूं कि मैंने अभिमान किया था, परंतु उसका दंड तो मैं पहले ही भुगत चुकी हूं। अब वे बार बार मुझे प्रताड़ित करने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? इसे उन्हें क्या मिलेगा? भला हो महाराज का, उन्होंने उनका आदेश मानकर मुझे महल से बहिष्कृत नहीं किया। महात्मा जी का स्थान और कितनी दूर है? बस आ गया,
वो सामने दिखाई दे रहा है। सारथी रथ रुक। नारायण नारायण। भोलेनाथ भोलेनाथ, आप कितने दयालु हैं। इन माता पुत्रों को दुर्दशा से उबारने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है भोलेनाथ, मैं इनकी सहायता का प्रबंध अवश्य करूंगा। भोलेनाथ मैं अवश्य करूंगा। दुखियों का दुख मिटाना यह नारद का भी तो परम कर्तव्य है भोलेनाथ। नारायण नारायण। महामंत्री जी, यहाँ तो कोई आश्रम नहीं दिखाई दे रहा, ये तो वन प्रदेश का शिवालय है। महामंत्री जी, क्या बात है, कहीं हम दूसरे स्थान पर तो नहीं उतर गए? आप उस आश्रम का मार्ग बिसर तो नहीं गए? आप मौन क्यों हैं? महारानी जी, मुझे क्षमा करें। महाराज ने राजाज्ञा देकर मुझे इस धर्म संकट में ढकेल दिया है। आप क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महारानी जी, मैंने आपसे महात्मा जी के विषय में जो कुछ कहा था वो असत्य था। असत्य था? आपको मुझसे असत्य बोलने की क्या आवश्यकता पड़ी? आपको आघात न पहुंचे इसलिए मुझे असत्य बोलना पड़ा, महात्मा जी का बहाना बनाना पड़ा। मेरी विवशता को क्षमा कर दे महारानी जी, मुझे क्षमा कर दे। वो असत्य था तो बताएं, सत्य क्या है? सत्य ये है कि राजगुरु धुरजटी के आदेश का पालन करते हुए उनके शाप से भयभीत होकर महाराज वज्रसेन ने आपका त्याग किया है। अपने राज्य से आपको बहिष्कृत किया है। और मुझे इस अप्रिय कर्तव्य के लिए मैं क्या करता महारानी, मैं क्या करता, मैं विवश था। महारानी जी, आप इस शिवालय में शरण लीजिए, भगवान शिव आप दोनों की रक्षा करेंगे। मुझे क्षमा करें महारानी जी, मुझे क्षमा करें। नहीं बहन, ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करने से संसार के बड़े कष्ट का अंत हो जाता है। किंतु आप कौन हैं? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझे तुम अपना भाई समझो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे सभी कष्टों का अंत करेंगे।
मेरी बहन, रोने से हृदय विदीर्ण होता है, तनिक धैर्य धारण करो और मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। बहन तुम भगवान भोलेनाथ की शरण में आई हो, अपनी सारी चिंताएं भगवान भोलेनाथ के शरण में समर्पित कर दो। ब्रह्मचारी भैया, मैं पहले भी एक बार संकट में पड़ गई थी और यही भोलेनाथ की शरण में आई थी, परंतु 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 क्या बहन? भगवान भोलेनाथ के शरण में आने के पश्चात संकट दूर ना हो, ये हो ही नहीं सकता बहन। इनकी शरण में आने के पश्चात संकट दूर होकर रहता है, इस बात पर मेरा अटल विश्वास है। मैं अभागन भगवान शिव पर अटल विश्वास नहीं कर पाई, मैं घबरा गई थी। उस समय एक ब्राह्मणी माता ने मुझे 16 सोमवार का व्रत और शिव पार्वती की आराधना की प्रेरणा दी थी, परंतु मैंने इसे नहीं किया। लगता है इसी कारण मैं पहले से भी बड़े संकट में पड़ गई हूँ। कितना सुंदर योग है, आज भी सोमवार है, आज ही से तुम निष्ठापूर्वक 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करो, तुम्हारे सभी संकट दूर होकर ही रहेंगे। मैं इसी समय से 16 सोमवार का व्रत निष्ठापूर्वक करने की शपथ लेती हूँ। हे शिवशंकर, मेरे इस दुर्बल बालक पर दया करो, इसे शीघ्र ही स्वस्थ कर दो। बहन, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो, किस संकट में पड़ गई हो? मेरी करुण कथा सुनकर क्या करोगे भैया? मेरे लिए अतीत निसार देना ही उचित होगा। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। नहीं नहीं, यदि तुम बताना उचित नहीं समझती तो रहने दो, परंतु बहन इतना तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? सुमति। सुमति, जो कुछ दिन पहले वत्स देश की गौरवमयी राजकुमारी थी और युवराज के पद पर प्रतिष्ठित थी। युवराज? एक स्त्री युवराज कैसे हो सकती है? गर्व और अहंकार ने मुझे राजकुमारी से युवराज बना दिया था और इसी कारण आज मेरी ये दुर्दशा हुई है। मैं समझ गया बहन, युवराज का अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बना, परंतु तुम तो इस शिशु की माँ हो, अर्थात तुम विवाहित हो, तुम राजकुमारी थी तो तुम्हारा पति कोई राजा ही होगा। हाँ भैया, राजकुमारी से मैं दशारण देश की महारानी बनी, परंतु दुख साया की तरह मेरे पीछे लगा रहा और इसका कारण है राजगुरु धूर्जटी का प्रतिशोध। राजगुरु धूर्जटी? ये तो मेरे गुरु हैं। क्या तुम राजगुरु धूर्जटी के शिष्य हो? कहीं उन्होंने ही तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए तो नहीं भेजा? सच बताना ब्रह्मचारी, ये राजगुरु धूर्जटी के प्रतिशोध का कोई प्रपंच तो नहीं? क्रोधी और मिथ्याभिमानी धूर्जटी का साथ तो मैंने पहले ही त्याग दिया है, मुझ पर विश्वास करो बहन, मैंने तुम्हें सच्चे हृदय से बहन बनाया है। भगवान भोलेनाथ की शपथ, मैं तुम्हारा ये संकट अवश्य दूर करवा दूंगा। भैया, मेरी इस दुर्दशा का कारण राजगुरु धूर्जटी ही है। मेरे पति महाराज वज्रसेन बैर भाव छोड़कर मुझसे सच्चा स्नेह करने लगे थे, मेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगा था कि अचानक धूर्जटी ने आकर मेरे जीवन में विष घोल दिया। उन्होंने मेरे पति को श्राप का भय दिखाकर इस नवजात बालक के साथ मुझे राज्य से बहिष्कृत करवा दिया। मेरा ये अभागा बालक जन्म से क्षय रोगी भी है। शिव 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 शिव। यदि शिव शंकर ने मेरी सहायता नहीं की तो मैं इस दुखी बालक के जीवन का अंत करके आत्महत्या कर लूंगी। इसका अर्थ तो ये हुआ
कि तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है। भगवान भोलेनाथ की शपथ को तुम झूठी समझती हो। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, परंतु सच कहती हूँ, मैं जीवन से निराश हो गई हूँ। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है बहन, अब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक ऐसे सच्चे शिव भक्त के पास ले जाता हूँ जहाँ तुम अपने इस रोगी बालक का उपचार कर सकोगी। अरे बहन, तुमने अपने इस पुत्र का नाम तो बताया ही नहीं। अभी तक तो ये अनामा है, इसका नामकरण संस्कार होने से पहले ही ये अभागा निराश्रित हो गया। अब ये भगवान भोलेनाथ की शरण में आ गया है, इसका भविष्य उज्जवल है बहन, इसकी आयु लंबी है, मैं इसका नामकरण अभी कर देता हूँ। नामकरण? हाँ, इसका नाम भद्रायु है। भद्रायु? हाँ, भद्रायु, आओ मेरे साथ। किसानों ने अनाज का भुगतान किया या नहीं? सेठ जी, हमारे किसान सच्चे और प्रामाणिक हैं। बिना कहे ही वे उपज भंडार में पहुंचा देते हैं। अब किसी किसान पर हमारा कोई ऋण शेष नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रेष्ठ श्री शिवचरण, आपका यश सदा बढ़ता रहे। ओम नमः शिवाय। शिवचरण की देवड़ी में आपका स्वागत है। श्रेष्ठ श्री शिवचरण, भगवान भोलेनाथ की आप पर पूर्ण कृपा है, दानवीर के रूप में आपका यश दूर दूर तक फैला हुआ है, आपकी कीर्ति सुनकर ही हम आपके पास आए हैं। आप? मैं ब्रह्मचारी शिवनंदन, और यह है मेरी दुखियारी बहन सुमति। लगता है आप भी मेरी तरह शिव भक्त हैं, आप यहां से निराश होकर नहीं जाएंगे। कहिए, मैं क्या आपकी सहायता कर सकता हूं? मेरी इस दुखियारी बहन को कृपया आप अपने घर में आश्रय दें, क्योंकि मैं स्वयं एक गृहत्यागी ब्रह्मचारी हूं। इस विषय में जितनी आप सुमति की सहायता कर सकते हैं, उतनी मैं नहीं कर सकता। क्या बात है श्रेष्ठीवर, इतने बड़े दानवीर होने के पश्चात भी क्या आप एक निराश्रित को आश्रय नहीं दे सकते? सामाजिक नीति नियमों के अनुसार मैं किसी भी पराई स्त्री को अपने घर में आश्रय नहीं दे सकता ब्रह्मचारी जी। आप इनकी रहने की व्यवस्था कहीं और कर दीजिए, मैं अन्य किसी भी प्रकार की सहायता के लिए तत्पर हूं। मेरी कठिनाई आप समझ सकते हैं। श्रेष्ठी, आप हमारी आशाओं पर इस प्रकार घात कर इस बेचारी को दुख के सागर में न धकेलें। ये बेचारी तो आपके घर के किसी भी कोने में पड़ी रहेगी। मेरी भी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा है ब्रह्मचारी जी, और उस प्रतिष्ठा के विरुद्ध मैं कोई भी कार्य नहीं कर सकता, और यदि मैं ऐसा करता हूं तो अन्य किसी की भी सहायता करने की स्थिति में मैं नहीं रह पाऊंगा। क्षमा कीजिए, मैं इस कार्य में आपकी सहायता नहीं कर सकता। चलो सुमति बहन, एक शिवभक्त ही दूसरे शिवभक्त की सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, तो समझ लो तुम्हारा दुर्भाग्य बहुत कठोर है।
ओम नमः शिवाय। एक उपाय है ब्रह्मचारी जी। वो क्या है? मेरी धर्मपत्नी इन्हें आश्रय देने के लिए सहमत हो जाए तो मैं आपकी बात मान सकता हूं। वो भी गर्भवती है और इस समय उसे किसी महिला सहायकर्ता की आवश्यकता है। चलिए मेरे साथ। क्या कहते हैं मुनीम जी, हमारी सेठानी जी इस महिला को आश्रय देंगी? कदापि नहीं। क्या सेठानी जी की स्वभाव को तुम नहीं जानते? अरे भगवान, सुन रही हो? तनिक यहाँ तो आओ। क्या बात है? तुम्हें पता है ना कि इन दिनों उठने बैठने में मुझे कितना कष्ट होता है। अंदर आ जाओ। आइए आइए। तनिक कष्ट उठाने का प्रयत्न करो भगवान, तुम्हारे लिए पुण्य का अवसर आया है। कौन है ये लोग? मैं हूँ बाल ब्रह्मचारी शिवनंदन और यह मेरी दुखियारी बहन सुमति। कुछ ही समय पहले ये माँ बनी है। तुम यदि अनुमति दो तो हम इस निराश्रित को अपने घर में आश्रय दे सकते हैं। निराश्रिता, मुखमंडल से तो ये कोई राजरानी दिखती है, इसे आश्रय की क्या आवश्यकता है? आपका अनुमान सत्य है श्रीमंतिनी जी, परंतु भाग्य ने मेरे और मेरे बच्चे के साथ बहुत क्रूर खेल खेला है। एक राजरानी एक भिखारन बनकर रह गई। यदि आप मेरी व्यथा कथा सुनेंगी तो आपको मेरी बात पर अवश्य विश्वास हो जाएगा। ना मेरे लाल, चुप हो जा। मैंने ब्रह्मचारी जी को स्पष्ट रूप से बता दिया है, यदि हमारी श्रीमती जी अनुमति देंगी तो ही हम इन्हें अपने घर में आश्रय दे सकते हैं। आप इस दुखियारी को आश्रय न देने का पाप मेरे सिर मरना चाहते हैं? सुमति बहन, तुम्हारे इन आंसुओं ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि तुम भाग्य की सताई हुई हो। तुम देख रही हो ना, मैं भी शीघ्र ही माता बनने वाली हूं। विवाह के अनेक वर्षों के पश्चात भगवान शिव ने हम पर कृपा की है और शीघ्र ही पुत्र जन्म का शुभ अवसर भी आने वाला है। हमारी ओर से बधाई स्वीकार करें। धन्यवाद। मेरे साथ रहकर तुम मेरी सहायता करना। जानते हैं ब्रह्मचारी जी, हम पर भगवान शिव की कृपा 16 सोमवार का व्रत करने के पश्चात ही हुई है। हम दोनों ने भी व्रत रखा था। मेरी बहन ने भी इसी सोमवार से 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया है। तब तो और भी प्रसन्नता की बात है। अब तुम्हारे सारे संकटों का अंत शीघ्र ही होगा। श्रेष्ठ वर, मैं आप दोनों का कृतज्ञ हूँ। अब मैं अपनी दुखियारी बहन सुमति और भांजे की चिंता से मुक्त हुआ हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ब्रह्मचारी जी। सुमति बहन, मैं तुम्हें समय समय पर मिलता रहूंगा, अब तो मुझे आज्ञा दो। भैया, तुमने मुझ पर और मेरे बच्चे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं ये उपकार जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। नहीं बहन नहीं, ये उपकार तो भगवान भोलेनाथ के हैं। वे यदि मुझे तुम्हारे पास नहीं भेजते समय पर तो मैं क्या कर सकता था। ओम नमः शिवाय। सुमति बहन, अब तुम निश्चिंत हो जाओ।
आओ बहन। बहन, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। तुम्हें श्रीमंतिनी जी कहूं या श्रेष्ठी वर ने धन प्राप्ति की आशा में मेरा नाम धनश्री रख दिया, परंतु मेरा पुराना नाम पार्वती है। पार्वती? शिव पार्वती पर आस्था रखने वाला हर संकट से उबर जाता है। पूरी निष्ठा से 16 सोमवार व्रत करने की शपथ ले, तेरा कल्याण होगा। बहन, मैंने उन ब्राह्मणी माता के कहने पर 16 सोमवार का व्रत तो प्रारंभ कर लिया, परंतु मुझे उसके विधि विधान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि विधि पूर्व पूजा करके 16 सोमवार का व्रत रखूं। 16 सोमवार का व्रत देवसेनी एकादशी के पश्चात प्रथम सोमवार से प्रारंभ होकर देव प्रबोधिनी एकादशी तक पूर्ण होता है। बहन, हमारे कुल पुरोहित जी तुम्हें शिव के मंदिर ले जाकर विधिवत इस व्रत की पूजा करवाएंगे। पुत्री सुमति, 16 सोमवार का व्रत अति पुण्यमान तथा फलदायक होता है। इससे भगवान शिव तथा माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती की कृपा से मैंने ऐसा ही किया है। उस सोमवार को प्रातः से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रसन्न चित्त होकर तन मन की शुद्धि करके भगवान शिव के मंदिर में जाना पड़ता है। उस दिन कलह व कुवचनों से बचना भी अनिवार्य है। इस जनेऊ के समान पीले सूत के डोरे में 4 ग्रंथि लगाकर गले में पहनना चाहिए। ये डोरा व्रत के पूर्ण होने तक पहनना होगा। बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की पूजा करने से पहले दीप धूप जलाना, उसके पश्चात शिवलिंग का जल और दूध से अभिषेक कराना पड़ता है। तत्पश्चात दही, शक्कर, घी, मधु चढ़ाकर अबीर, गुलाल, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र से पूजन करना अनिवार्य है। तत्पश्चात सुपारी, पान, फल, नारियल आदि से नैवेद्य चढ़ाना, समर्पित करना होगा। अब बोलो ओम नमः शिवाय और पूजा प्रारंभ कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात भगवान शिव की आरती उतारनी होती है। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री, श्रावण मास के 4, भाद्रपद के 4, अश्विन के 4 और कार्तिक मास के 4 सोमवार, इस प्रकार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण होने के पश्चात 17वें सोमवार को 5:15 से गेहूं के लड्डू बनवाकर व्रत का उद्यापन करना आवश्यक है और वो प्रसाद भक्तों में बंटवा देना चाहिए। इस प्रकार 16 सोमवार का व्रत करने पर मानस की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। लगता है वज्रसेन का अहंकार अब भी उसके सर चढ़कर बोल रहा है।
उसकी इच्छा है कि हम उसके महल में जाकर उसकी चाटुकारी करें। राजगुरु होकर हम अपने आप को हीन समझे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं होगा। प्रतीत होता है कि वज्रसेन हमारी चेतावनी से भयभीत होकर यहां आ रहा है, उसे आना ही था। प्रणाम गुरुवर। महामंत्री सुदंत, राजा बनते ही वज्रसेन का दंभ इतना बढ़ गया कि हमारे बार बार के आमंत्रण की वह अवहेलना करने लगा। वो स्वयं नहीं आया और उसने तुम्हें भेज दिया। क्षमा करें गुरुदेव, महाराज अब इस आश्रम पर कभी नहीं आएंगे। क्या बक रहे हो तुम? मैं सत्य कह रहा हूं गुरुदेव, उन्होंने यहां कभी ना आने का निश्चय किया है। यदि आपका उनसे मिलना आवश्यक है तो आप स्वयं उनसे मिलने चले जाएं। इस अपमान का परिणाम जानते हो तुम? मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप वहां न जाएं, यही उत्तम है। महाराज इस समय बहुत शोक मग्न है और किसी से मिलने की उनकी इच्छा नहीं है। तुम अपने अधिकार की सीमा से आगे बढ़ते जा रहे हो महामंत्री सुदंत। आपने भी बार बार अपनी सीमा का उल्लंघन किया है राजगुरु धुरजटी। महाराज और महारानी के विवाह के पश्चात उनके निजी जीवन को अस्त व्यस्त करने का आपको कोई अधिकार नहीं था। महामंत्री, तुम जानते हो तुम किसे अपमानित कर रहे हो। मैं आपको अपमानित करने नहीं आया गुरुदेव, मैं तो आपको सत्य स्थिति से अवगत कराने आया हूं। आपके आदेश पर महारानी सुमति और नवजात शिशु को महल से बहिष्कृत करने का महाराज को घोर पश्चाताप है। मैं आपसे मिलने के इच्छुक नहीं। प्रणाम। सुदंत, तुम और वज्रसेन दोनों मेरे क्रोध के प्रकोप से बच नहीं सकते। शांत हो जाए गुरुदेव, शांत हो जाए। कृपया आप व्यर्थ क्रोध ना करें, इससे आपकी तपस्या और आराधना का पुण्य नष्ट हो जाएगा। मेरे शिष्य होकर तुम मुझे ही उपदेश दे रहे हो। पहले यह बताओ कि मेरी आज्ञा के बिना तुम कहां अदृश्य हो गए थे। ये बताना मैं आवश्यक नहीं समझता महापंडित धुरचटी। मैंने सोचा था आपका शिष्य बनकर मैं आपसे कुछ प्राप्त कर सकूंगा, परंतु आपने तो मेरे मन की शांति भी छीन ली। क्या प्रलाप कर रहे हो तुम? हाँ, मैं अक्षर अक्षर सत्य कह रहा हूँ महापंडित धुरजटी। जो गुरु शिव भक्ति से प्राप्त सिद्धि के नाम पर निर्दोष को निराश्रित बना दे, ऐसे गुरु का शिष्य बनकर मुझे दुर्गति को प्राप्त नहीं करना है। यदि आपको भी दुर्गति प्राप्त नहीं करनी है तो क्रोध, अपमान और प्रतिशोध की भावना को अपने हृदय से निकाल दें, इससे आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। मैं कहता हूं ये प्रलाप बंद करो। ये प्रलाप नहीं, कटु सत्य है जो मैं आज आपको सुना कर ही रहूंगा। आपका शिष्य होने के नाते मैंने सुमति की सहायता की आपके पाप का प्रायश्चित करने के लिए। सुमति को समाप्त करने के लिए आपने अपना कोई भी प्रपंच शेष नहीं छोड़ा। अब भी समय है महापंडित, दूसरों का बुरा सोचना छोड़ दें, अन्यथा भगवान भोलेनाथ का कोप आप पर बरस पड़ेगा। लगता है तू बड़ा ही दृष्ट और कृतज्ञ शिष्य है। आज तेरी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी। नारायण नारायण। तुम आप? हाँ, स्वयं भगवान भोलेनाथ ने मुझे यहाँ आपका शिष्य बनने के लिए भेजा था, आपकी शिव भक्ति की थाल लेने के लिए। परंतु आपकी शिव भक्ति सत्वहीन निकली। भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करें। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, हे शिव शंकर, अब क्या होगा?
चटी का आदेश मानकर महाराज वज्रसेन महारानी सुमति व उनके नवजात शिशु को महामंत्री के साथ वन में भेज देते हैं। आकाश से ये दृश्य देखकर देवर्षि नारद चकित हो जाते हैं, परंतु भोलेनाथ की आज्ञा का स्मरण कर नारद सुमति की हर संभव सहायता का निश्चय करते हैं। सुमति को परित्याग का कठोर संदेश सुना महामंत्री लौट जाते हैं। तभी बाल ब्रह्मचारी का वेश धारण कर नारद शिवालय में प्रकट होकर असहाय सुमति को ओम नमः शिवाय के महामंत्र के जाप का परामर्श देते हैं। नारद के कहने पर सुमति 16 सोमवार व्रत रखने की शपथ लेती है। सुमति के आश्रय के लिए एक शिव भक्त के घर जाने से पूर्व नारद सुमति के क्षय रोग से ग्रस्त पुत्र का नाम भद्रायु रखते हैं। तनिक असमंजस के उपरांत परम शिव भक्त श्रेष्ठी शिव चरण तथा उसकी पत्नी धनश्री ब्रह्मचारी बने नारद की प्रार्थना पर सुमति को अपने यहां आश्रय प्रदान करते हैं। उधर मिथ्याभिमानी धूर जटी का क्रोध महामंत्री सुदंत से ये सुनकर बढ़ जाता है कि महाराज वज्रसेन अब कभी धूर जटी के आश्रम में नहीं आएंगे। जब धूर जटी का प्रतिशोध उन्मादित होने लगता है तभी ब्रह्मचारी बने नारद वहां उपस्थित होकर सत्य से परिचय करवाते हुए धूर जटी को क्रोध अहंकार प्रतिशोध तथा प्रपंच छोड़ देने का परामर्श देते हैं, जिससे क्रोधित होकर धूर्जटी अपना आसन उठाकर ज्यों ही नारद पर प्रहार करने का प्रयास करता है त्यों ही नारद मूल रूप में प्रकट होकर अदृश्य हो जाते हैं। अपने मिथ्या अभिमान को जानकर धूर्जटी पश्चाताप और दुख से घिर जाता है। उधर पुरोहित जी ने सुमति को 16 सोमवार का व्रत पूर्ण करने की विधियों से अवगत करवाया। सुमति ने नियम तथा विधि पूर्वक तन मन से समस्त विधियों को विधिवत पूर्ण किया तथा प्रसन्नता पूर्वक श्रेष्ठ शिव चरण की हवेली में प्रवेश किया। आज मेरे 16 सोमवार व्रत की पूर्णा होती हुई है। ये भगवान शिव के चढ़ाए हुए प्रसाद के लड्डू है, सभी लोगों में बांट देना। अच्छा, कैसी है धनश्री बहन जी? अंदर सो रही हैं, उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है। मुझे पता है कैसी पीड़ा हो रही है, तू जा। अच्छा। धनश्री बहन, बहुत पीड़ा हो रही है। हाँ, बहुत पीड़ा हो रही है सुमति बहन। धनश्री बहन, अब प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है, वो शुभ घड़ी आने ही वाली है, अर्थात छोटे सेठ जी पधारने वाले हैं। कहो ओम नमः शिवाय। धनश्री बहन, आज मेरे 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हुआ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान की कृपा से तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति होगी। कहो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहन जी, हाँ? बहन जी, आपका भद्रायु बहुत देर से रो रहा है, शांत नहीं हो रहा। भद्रायु, क्या हुआ भद्रायु? भद्रायु, इसका बदन तो आग से तप रहा है। ओ भद्रायु, को संभालो तुम। मत रो मेरे लाल, चुप हो जा। सुमति बहन, क्या हुआ? देखिए ना शिवचरण भैया, मेरे भद्रायु को क्या हो गया। अरे बाप रे, इसे तो तीव्र ज्वर है और ज्वर के कारण ही ये रो रहा है। मैं शीघ्र ही वैद्यराज को बुला कर लाता हूँ। चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा, चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। क्यों रो रहा है बेटा? हाँ, क्या हो, क्या गया है तुझे बेटा? ना भद्रायु, क्यों रो रहा है बच्चे? ना ना भद्रायु, 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 भद्रायु। आज ही तो मेरा 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हुआ और भद्रायु, आज तुझे ये क्या हो गया? हे भगवान शिव, क्या मेरे व्रत का यही फल है? हे भोलेनाथ, मुझ पर दया करो भोलेनाथ, मुझ पर दया करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आ आ
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहन सुमति, ये बैद्यराज जी बहुत दूर से तुम्हारे शिशु के उपचार के लिए आए हैं। बैद्यराज जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, देखिए ना क्या दशा हो गई है। अब तो इसकी सांसें भी धीमी चलने लगी है। पुत्री, इस बालक की प्राण ज्योति अस्त हो रही है, इसके सारे अंग शिथिल हो गए हैं। अब कोई औषधि अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। ऐसा मत कहिए बैद्यराज जी, ये भद्रायु मेरे प्राणों का सहारा है। धैर्य धारण करो पुत्री, ईश्वर की इच्छा के सम्मुख सबको हार माननी ही पड़ती है। धैर्य धारण करो पुत्री। भद्रायु, मेरे बेटे, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। भद्रायु, बधाई हो, बधाई हो। मंत्री जी, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, बधाई हो। हमारा पुत्र आ गया, हमारा पुत्र आ गया। हे शिव, आप परम कृपालु हैं। भद्रायु, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हे भोलेनाथ, कृपा करो। हे शिव शंकर, दया करो। यह आपकी कैसी लीला है प्रभु, एक और जन्म और एक और मरण। हे शिव, ये कैसी विचित्र स्थिति है। शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। माता, भगवान भोलेनाथ कहाँ है? अपने किसी भक्त की पुकार पर स्वामी अचानक अदृश्य हो गए, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। नारायण नारायण, शिव लीला का रहस्य जानना अति कठिन है माता, इस सत्य से तो आप भली भांति परिचित हैं। मेरी समझ में नहीं आता, स्वामी मेरे साथ ऐसी विचित्र लीलाएं क्यों करते रहते हैं? मुझे अपने साथ ले जाते तो क्या मैं उन्हें भक्त की सहायता करने से रोक देती? नारायण नारायण, माता आप तो भगवान भोलेनाथ की ऐसी शिव लीलाओं से भली भांति परिचित हैं, इसमें ऐसा रोष व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है? फिर आप तो साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं, कृपया आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखें और मुझे भी बताएं कि भगवान भोलेनाथ इस समय कहाँ हैं। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये जानने में अब मेरी कोई रुचि नहीं है। माता, भक्तों की पुकार पर भगवान भोलेनाथ समय समय पर जाते ही रहे हैं, इसमें उदास होने की क्या आवश्यकता है? नारद, देख रही हूँ कि तुम आजकल बढ़ चढ़कर स्वामी का ही पक्ष लेने लगे हो और मुझे उपदेश देने का साहस करने लगे हो। शिव 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 शिव। माता, मैं तो आपके चरणों का एक तुच्छ सेवक हूँ, भला मैं आपको उपदेश देने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? बस बस, अब कुछ न कहो, मैं जानती हूँ तुम क्या कहोगे। माता, मैं तो भगवान भोलेनाथ को केवल ये बताने आया था कि उन्होंने जो कार्य मुझे सौंपा था वो मैं पूर्ण करके आ रहा हूँ, इसी विषय में मैं उन्हें कुछ बताने यहाँ आया था। उन्हें बताने की कोई आवश्यकता नहीं, उन्हें हर समय हर बात का ज्ञान होता है, क्या इस सत्य को तुम नहीं जानते? नारायण नारायण, जानता हूँ माता, मैं जानता हूँ, परंतु क्या करूँ, मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ ना। यथाशक्ति प्रयत्न करने के पश्चात भी मैं अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं सकता। अब आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय, नारायण नारायण। भद्रायु, मेरे पुत्र भद्रायु, मुझे छोड़कर तू क्यों चला गया? तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तेरे बिना कैसे जियूंगी? मेरे पुत्र आ
जा तू, लौट कर आ जा तू। भद्रायू, मेरे पुत्र भद्रायू, मुझे छोड़कर तू क्यों चला गया? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री, तुम व्यर्थ विलाप क्यों कर रही हो? तुम्हारे बालक को कुछ नहीं हुआ है? योगी महाराज, मेरा पुत्र भद्रायु मुझे छोड़कर जा चुका है। एक वैद्यराज जी अभी कुछ देर पहले मुझे बताकर चले गए। ये देखिए ना इसे। शिव पर आस्था रखो पुत्री। कभी कभी जीवित व्यक्ति भी मृत जैसा दिखाई देता है। वैद्यराज को भ्रम हुआ होगा पुत्री। देखो तुम्हारा बालक तो जीवित है। जीवित है? मैं कब से इसके पास बैठी हूँ, क्या इसके जीवित होने का पता मुझे नहीं चलता। तुम इतनी शोक मग्न हो गई थी कि अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। तनिक बुलाकर तो देखो इसे। भद्रायु, भद्रायु, हाँ, मेरा भद्रायु जीवित हो गया, मेरा भद्रायु जीवित हो गया। योगी महाराज, योगी महाराज, ये आप ही का चमत्कार है। मेरा मृत बच्चा जीवित हो गया। हमने तो केवल स्पर्श करके इसे सचेत किया है। तुम्हारा पुत्र तो पहले से ही जीवित था। जो भद्रायु हो वो भला समय से पहले कैसे जा सकता है? तुम्हारे पुत्र की आयु लंबी है, इसका भविष्य उज्जवल है। शिवचरण भैया, धनश्री भाभी, इन महान शिव योगी के स्पर्श से मेरा भद्रायु फिर से जीवित हो गया। आप धन्य हैं योगी महाराज, आप धन्य हैं। योगी महाराज, सुमति बहन का पुत्र अचानक चल बसा और मेरा मन बहुत दुखी हो गया था। हमारे पुत्र जन्म की प्रसन्नता उस दुख में दब सी गई थी। स्वामी, जो स्त्री 16 सोमवार का व्रत कर रही हो उस पर शिव की कृपा सदा रहती है। मुझे तो पूर्ण विश्वास था कि हमारा भद्रायु जीवित है। योगी महाराज, शिव कृपा से प्राप्त मेरे इस पुत्र को भी आशीर्वाद दीजिए और इसका नामकरण कीजिए। इस बालक का नाम तो पूर्व निश्चित है। पूर्व निश्चित? इसका नाम पूर्व निश्चित है? आपकी बात हम समझे नहीं योगी महाराज। इस बालक का नाम है सोमदत्त। सोमदत्त? सोमदत्त, कितना सुंदर नाम है। सोमवार के व्रत करने वाले के पुत्र का नाम सोमदत्त ही होना चाहिए ना। अच्छा, अब हम चलते हैं। प्रणाम महात्मा शिव योगी। तुम सबका कल्याण हो। बम बम शिव शंकर, बम बम शिव शंकर। हे शिव शंकर, आपकी ऐसी कृपा मुझ पर कि आपने साक्षात देवर्षि नारद को मेरा शिष्य बनने के लिए भेज दी और मैं मूर्ख आपका संकेत न समझ सका। अहंकार ने मेरी बुद्धि को ग्रस लिया था महादेव। मैं अंधा हो गया था अहंकार में। भला बुरा, शुभ अशुभ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और प्रतिशोध लेने की धुन में मैं पतन के मार्ग पर बढ़ता ही चला गया। अब मैं ऐसा कौन सा प्रायश्चित करूं महादेव कि मेरे अक्षम्य अपराधों का अंत हो। मेरा मार्गदर्शन करें शिव शंकर। मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है महादेव, कुछ नहीं सूझ रहा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राजगुरु धुरजटी, आपने अभी अभी कहा कि आपकी बुद्धि कुंठित हो गई है, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है। हाँ, मैंने कहा, परंतु यह सत्य है। किंतु आप कौन हैं? हमें शिव योगी कहते हैं। हमने भी आपके समान शिव से योग लगाया है, परंतु हम आपके समान अहंकार और दम के मार्ग पर भटके नहीं, हमने अपनी बुद्धि को स्थिर रखा है। क्षमा करें शिव योगी, परंतु आप मेरे विषय में सब कुछ कैसे जानते हैं? शिव से लौ लगाई है तो यह सब जानना कौन सा कठिन कार्य है। आप भी शिव से सच्ची लौ लगाएं, आपको भी ज्ञात हो जाएगा। परंतु मिथ्या अहंकार का आवरण हट जाने के पश्चात, शिव योगी जी, आपके दर्शन करने के पश्चात ऐसा लगता है कि अब बुद्धि को ढकने वाला आवरण हट गया है। मुझे भले बुरे का ज्ञान होने लगा है। व्यतीत काल को मुड़कर देखें, आपने अहंकार के मद में अंधे होकर कितनों को दुख पहुंचाया, कितनों से प्रतिशोध लिया और कितनों को अपमानित किया। इसके लिए मैं अत्यंत लज्जित हूं शिव योगी। पश्चाताप के शीतल जल से आपके हृदय की अग्नि शांत हो रही है, आपका विवेक जागृत हो रहा है। अब आप उन सब के भले की सोचें जिन्हें आपने कष्ट पहुंचाया था। जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण की बात सोचता है उसका कल्याण अवश्य होता है, और जो व्यक्ति दूसरों को पतन की खाई में ढकेलता है उसका पतन भी निश्चित हो जाता है। भगवान शिव की कृपा से आपका आगमन हुआ, मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, मैं पतित होने से बच गया। अब आपका छुपा हुआ पांडित्य प्रकट होगा, आपकी कीर्ति दिग्दिगंत तक फैलेगी। अब हम गमन कर रहे हैं। नहीं शिव योगी जी, आप मेरे आश्रम में अतिथि बनकर रहे, और यदि मैं कोई अपराध करूं तो मुझे उसे करने से रोके। नहीं नहीं, अब अपराध का प्रश्न ही नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम शिव योगी, प्रणाम गुरु धुरजटी। आप तो नारद मुनि हैं। आप मेरे शिष्य बनकर मुझे पाप में मत धकेलिए देवर्षि नारद। देवर्षि नारद? मैं? गुरु धुरजटी, कहीं आप स्वप्नों तो नहीं देख रहे हैं? मैं तो आपका वही शिष्य हूँ, भोला भाला अज्ञानी शिष्य बाल ब्रह्मचारी। धुरजटी जी, कहीं आपने देवर्षि नारद को स्वप्न में तो नहीं देखा था? नहीं नहीं शिव योगी जी, मुझे भली भांति स्मरण है, मैं जागृत अवस्था में था। देवर्षि नारद ने ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर नारद का रूप धारण किया था। कभी कभी आंखों को भी भ्रम हो जाता है गुरुवर। शिव की लीला बड़ी विचित्र है, बताएं गुरुवर मेरे लिए क्या आज्ञा है? आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया ब्रह्मचारी जी। मुझे अभी भी लग रहा है कि आप देवर्षि नारद ही हैं। आप तो मेरे गुरु के भी गुरु के समान हैं। मैं आपको भला क्या आज्ञा दे सकता हूँ? शिव योगी जी, बोलो बाल ब्रह्मचारी। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शिव योगी के वेश में आप भी साक्षात भगवान शिव ही हैं। जिसकी जैसी भावना होती है उसे अपने भगवान का वैसा ही रूप दिखाई देता है। आप दोनों ने मुझे भ्रम में डाल दिया है। कहीं मेरे आश्रम में भगवान शिव और देवर्षि नारद दोनों एक साथ तो नहीं पधारे हैं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
कहाँ गया हा? था? खेल रहा था। क्या खेला मेरा प्यारा पुत्र? भद्रायु भैया, मेरा लक्ष्य आज भी चूक गया। तो इसमें चिंतित होने की क्या बात है सोमदत्त? तुम श्रेष्ठी शिवचरण के पुत्र हो, तुम्हारा कार्य है व्यापार में सफल होना, न कि धनुष से बाण चलाना। मैं जानता हूं तुम क्षत्रिय पुत्र हो, परंतु हर विद्या मैंने तुम्हारे साथ ही सीखी है, फिर भी मेरा लक्ष्य कैसे चूक गया? जैसे व्यापार में मेरा लक्ष्य चूक सकता है, यदि मैं व्यापार करूंगा तो घाटे में ही रहूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें घाटे में थोड़े ही ना रहने दूंगा। अब घर चलते हैं, माताएं प्रतीक्षा कर रही हैं। चलिए। भद्रायु, बेटा सोमदत्त, कहाँ हो तुम दोनों? वो दोनों तो जो खेलने गए हैं अब तक नहीं लौटे, उन दोनों का बचपना तो अभी तक नहीं गया। भगवान, अब तो ये उनके खेल खेलने के दिन है, आते ही होंगे। माँ माँ माँ, हम आ गए। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ठीक है, पहले तुम दोनों ये बताओ कि शिवालय से पूजा करके आ रहे हो ना? लगता है आज शिवालय नहीं गए। यदि शिव पूजन नहीं किया तो भोजन नहीं मिलेगा। खेल खेल में तुम दोनों भगवान को भी भूल जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। जाओ, पहले शिवालय में पूजा करके आओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ तो इनके मन मंदिर में रहते हैं सुमति बहन, भगवान भोलेनाथ की कृपा इन पर निरंतर बरसती ही रहती है। ब्रह्मचारी भैया, कहाँ थे इतने वर्ष, तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गईं। पुत्रों, प्रणाम करो, ये तुम्हारे मामाश्री हैं। प्रणाम मामाश्री। सदा सुखी रहो, भगवान भोलेनाथ आपका नाम उज्जवल करें, आप अपने हर कार्य में सफल हो। ब्रह्मचारी जी, आश्चर्य की बात है, आपने इतने वर्षों तक अपनी बहन और भांजे की सुध नहीं ली। हाँ भैया, मैंने सुमति बहन से कई बार आपके बारे में पूछा, परंतु ये कैसे बताती कि आप कहाँ हो? भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए इधर उधर भटकता रहता हूँ। इस बार बहुत दूर देश निकल गया था, बहुत समय के पश्चात यहाँ आने का योग बना है, वो भी एक विशेष उद्देश्य से। बस, तो फिर आप कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहिए और दोनों भांजों की सेवा ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं श्रेष्ठी वर, मैं यहाँ एक विशेष संदेश देने आया हूँ। कैसा संदेश भैया? महात्मा शिव योगी ने भद्रायु को धूर्जटी के आश्रम पर आमंत्रित किया है। धूर्जटी के आश्रम पर? बहन सुमति, अब धूर्जटी के नाम से घबराने की आवश्यकता नहीं है, गुरुवर धूर्जटी अब पूर्ण रूप से बदल गए हैं, क्रोध से भरे धूर्जटी अब करुणामय हो गए हैं, वे भी तुम दोनों से मिलने के लिए अति उत्सुक हैं। ये धूर्जटी कौन है मामाश्री? धूर्जटी एक शिव भक्त है, जो पहले पाषाण के समान कठोर थे, परंतु अब पुष्प के समान कोमल हो गए हैं। तुम इनसे मिलोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। क्या शिव योगी वहाँ पधारे हैं? हाँ, मैं उनका ही तो संदेश लेकर यहाँ आया हूँ। ठीक है, हम शीघ्र ही शिव योगी की सेवा में पहुँचेंगे, वे तो भद्रायु के जीवन दाता हैं, उनका उपकार हम भला कैसे भूल सकते हैं। तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे लिए रथ की व्यवस्था कर दूंगा बहन। ब्रह्मचारी जी, मेरी ओर से
शिव योगी महात्मा को निवेदन करना कि एक बार फिर से हमारे घर पधार कर हमारा घर पावन करें। आपका यह संदेश मैं उन्हें अवश्य दूंगा। श्रेष्ठीवर, अब आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम योगीराज, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया। आप में इतना परिवर्तन आ गया है कि अब आपके आश्रम का वातावरण हमें प्रिय लगने लगा है। यह सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है योगीराज। यदि आप बार बार मुझे संबोधित करके उपदेश न देते तो मेरे मिथ्याभिमान का अंकुर नष्ट ना होता और मैं पतन के मार्ग पर बढ़ता ही चला जाता। भूतकाल की बातों का स्मरण करके कोई लाभ नहीं, भविष्य की ओर देखें और उन्नति के पथ पर आगे बढ़े। पधारे महारानी सुमति, वत्स भद्रायु, धूर्जटि आश्रम में आपका स्वागत है। अब मैं महारानी कहां रही गुरुवर? आपकी कृपा से मेरा ये पद तो बहुत पीछे छूट गया। हम पर व्यंग्य बाण न बरसाएं महारानी सुमति, हम अपने किए पर पछता रहे हैं। हमारे हृदय से क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध की भावनाएं समाप्त हो गई हैं। मात्र शिव योगी की कृपा से हमारा हृदय स्वच्छ, निर्मल और शिव भक्त से पूर्ण हो गया है। तुम्हारी हर कामना पूर्ण हो, तुम्हें यश, वैभव और अतुल बल प्राप्त हो। आपने हमारा स्मरण किया, हम कृतज्ञ हो गए। वत्स भद्रायु, तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। हम आज तुम्हें ऐसी अद्भुत सिद्धियां प्रदान करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए दुर्लभ है। सिद्धियां? हाँ। वत्स भद्रायु, लो ये शंख, यह चमत्कारी शंख अपनी ध्वनि के ही समान दूर दूर तक तुम्हारे यश का प्रसार करेगा। लो, इसे बजाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। योगीराज, अद्भुत है ये शंख। सचमुच चमत्कारी है ये शंख। वत्स भद्रायु, इसे महात्मा शिव योगी का प्रसाद ही समझो। भद्रायु, इस शंख को बजाते ही तुम्हारे मन में शिव भक्ति का संचार होगा। भद्रायु, इस खड़क को स्पर्श करते ही तुम्हारे शरीर में एक सहस्त्र हाथियों का बल समा जाएगा। संसार का कोई भी मानव तुम्हें युद्ध में पराजित नहीं कर पाएगा। मैं अपने भीतर सहस्त्र हाथियों का बल अनुभव कर रहा हूं प्रभु। आप धन्य हैं योगीराज, आप धन्य हैं। भद्रायु, अपने सहस्त्र हाथियों का बल प्रमाणित करने के लिए जाओ उस सामने वाले पर्वत पर प्रहार करके उसे टुकड़े टुकड़े कर दो। जाओ। जो आज्ञा योगीराज। ओ
नमः शिवाय। वत्स भद्रायु, तुम सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त करके महाबली हो गए हो। ये सब योगी राज की कृपा है। ओम नमः शिवाय। ये शिव कवच सदा तुम्हारी रक्षा करेगा भद्रायु, इसे कभी अपने से अलग न होने देना। जो आज्ञा योगी राज। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। राजगुरु धूर्जटी, आप स्वप्न नहीं साक्षात नारद को देख रहे हैं, वो भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से। मैं यहाँ भगवान भोलेनाथ को वंदन करने आया हूँ। भगवान शिव? भोलेनाथ, अब आप ये शिवयोगी का रूप त्याग कर साक्षात महादेव का रूप धारण करें, हम सब आपके साक्षात दर्शन पाकर धन्य हो जाएंगे। शिवयोगी का कार्य इस समय पूर्ण हुआ नारद, अब हमें यहाँ मूल रूप धारण करने में कोई आपत्ति नहीं। प्रभु। शिव शंकर। भगवान शिव। हे देवाधिदेव महादेव। हे त्रिलोकीनाथ। हे कैलाशपति। हे भक्तवत्सल भगवान भोलेनाथ। आपकी जय हो। आपकी जय हो। आपकी जय हो।